हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू ऑल नो कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो हमारे नाउन के जो है, हम फर्स्ट वाले टाइप पढ़ रहे थे, दैट इज़ द नाउन, जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, उसके ऊपर हमने सारी टाइप्स पढ़ ली थी। आज हमारी दो सिंपल सी टाइप्स बचती हैं, दैट इज़ द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन होता है दैट विच वी कैन काउंट, ओके। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम इजिली काउंट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बॉय, किसी क्लास में बॉयज हैं, तो क्या आप बॉयज को काउंट कर सकते हैं? येस, इट इज़ वेरी इजी टू काउंट द बॉयज। वहाँ पे 30 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 200, 500, यू कैन काउंट इजिली, बिकॉज आप उनको प्रॉपर प्रॉपर पर्टिकुलर बॉय को एक एक करके काउंट कर सकते हो। तो दैट इज द काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बॉयज आ जाएगा, आपकी गर्ल्स आ जाएंगी, आपके पेन भी आ सकते हैं, पेंसिल आ सकती है, आपकी बुक्स आ सकती हैं, एट एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में चेयर्स हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं इजिली। ये डस्टर है, यहाँ पे 10 डस्टर होंगे, तो आई कैन काउंट इजिली। तो ये आपके काउंटेबल नाउन होते हैं विच यू कैन काउंट वेरी इजिली, जिनको आप बहुत इजिली काउंट कर सकते हैं। तो दैट आर द काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। वैसे तो कुछ चीज़ें ऐसे जैसे स्टार्स आपके होते हैं, हमें लगता है कि हम इतने सारे स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्स आपके कुछ टाइम के लिए आपके काउंटेबल नाउन के अंदर भी आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में भी आते हैं। उसको कभी हम काउंटेबल नाउन में भी डाल सकते हैं और अनकाउंटेबल में भी डालते हैं, ओके। अब आपका ये हो गया काउंटेबल नाउन। उसके बाद हम आपको अनकाउंटेबल नाउन बताएंगे विच वी कांट काउंट। जिनको आप इजली आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप मेरे को बोलेंगे कि मैं शुगर जो है उसको काउंट कर दूं, आप शुगर को काउंट कर सकते हैं? नो, यू कांट काउंट। आप एग्जांपल पे लिख लो शुगर, अगर आपके पास, आप मेजर कर सकते हैं उसको कि वो 1 kg है, 2 kg है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे आप अपने गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, बॉयज़ को कर सकते हो, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो, आप पेन पेंसिल को काउंट कर सकते हो। जैसे किसी स्कूल में 1400 स्टूडेंट हैं, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं इजिली, बिकॉज स्कूल के जो हेड हैं वो जानते हैं कि हमारे स्कूल में 1400 है। इट मीन्स उन्होंने काउंट करके देखा होगा, चाहे वो एडमिशन नंबर के हिसाब से है, जैसे भी है। इट मीन्स दीज आर काउंटेबल स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं। तो आपका अनकाउंटेबल कौन सा आएगा? जैसे शुगर को, हम 1 kg शुगर को इजिली काउंट नहीं कर सकते। छोटा छोटा एक पीस होता है, आप कैसे उसको काउंट कर पाएंगे? तो दैट इज नॉट द इजी टास्क, ओके। तो सो शुगर इज द अनकाउंटेबल नाउन। सेकंड आपका वाटर, वाटर इज आल्सो द अनकाउंटेबल नाउन। आप इसको लीटर में ले सकते हैं, 1 liter वाटर बॉटल देना, 2 liter वाटर बॉटल देना, लेकिन यू कांट मीज इसको काउंट नहीं कर सकते, यू कांट काउंट इट इन नंबर्स। जिस चीज़ को आप नंबर्स में काउंट ना कर सके, दैट इज द अनकाउंटेबल। आपका राइस हो जाता है, राइस को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को हो सकता है, बटर को काउंट नहीं कर सकते। बटर को कैसे करोगे? बटर तो हिसाब से आता है ना, जैसे 20 रुपये का इतना, 250 ग्राम है इतना बटर, बटर उस तरीके से आता है, घी भी उस तरीके से आता है। तो दीज टाइप ऑफ द मैक्सिमम जो लिक्विड चीज़ें हैं दैट यू कांट काउंट, उनको आप काउंट नहीं कर सकते, तो दैट इज द अनकाउंटेबल नाउन। तो गाइज, ये आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनमें मेन डिफरेंस यही है, जो आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं इजली, इन नंबर्स में यहाँ लिख देती हूँ, जिनको आप इजिली नंबर्स में काउंट कर सकते हैं दैट आर योर काउंटेबल नाउन्स, और जिसको आप इजिली नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं दैट आर अनकाउंटेबल नाउन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, एंड विच टाइप ऑफ नाउन विल कम अंडर द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो गाइज, टूडे आवर टॉपिक नाउन इज कंप्लीटेड। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आर अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज द प्रोनाउन। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.